thank हेलो एवरीवन मैं आयुष अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल संडे मॉर्निंग हो चुकी है संडे मॉर्निंग में हम सभी कनेक्ट हो चुके हैं फटाफट फड़ से कनेक्ट हो जाइए वीकली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और यह सफर अप्रैल के फोर्थ संडे में आज पहुंचा है ट्वेंटी ऑफ अप्रैल को तो चलिए शुरू करते हैं सफर को लेकिन सफर से पहले एक छोटा सा वर्ड सीखते हैं ये आज का वर्ड है लर्न लर्न का मतलब है सीखना यानी हमेशा देखिए सीखना कब हम शुरू करते हैं जब हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं आता हमें हमेशा स्टूडेंट रहना चाहिए चीजों को सीखते रहना चाहिए लर्न करना चाहिए चाहे वो गुड एक्सपीरियंसेस हो या बैड एक्सपीरियंसेस हो हमें हमेशा लाइफ से अपनी चीजों से ओवरऑल सीखते रहना चाहिए तो हम धीरे 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 ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ते जाते हैं इंप्रूव होते जाते हैं और जब इंप्रूव होते हैं तो हमारी लाइफ में ग्रोथ निकल कर आती है और वही ग्रोथ हमें बहुत सारे अचीवमेंट्स दिलाती है ठीक है चलिए शुरू करते हैं ये सफर जैसा आप सभी को बताए ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ अप्रैल से ट्वेंटी सेवंथ ऑफ अप्रैल तक जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज रही उनका एक कलेक्शन आपको यहां पर मिलने वाला है अप्रोक्स फिफ्टी वन क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं लेकिन आज आपके लिए दो क्वेश्चन प्लस हो गए यानी टोटल फिफ्टी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ठीक है कितने क्वेश्चन है आपके साथ फिफ्टी क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला जो भी क्वेश्चंस में मार्क्स आप गेन करोगे डियर वो आपको मेन कमेंट बॉक्स में बताने होंगे कितने मार्क्स आपने गेन किए अगर एक क्वेश्चन आपका राइट right होता है तो आप आप अपने को प्लस वन मार्क्स दोगे अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आप अपने आप को कितना मार्क्स दोगे जीरो मार्क्स दोगे ठीक है तो मार्क्स कनेक्ट करते चलेंगे मार्क्स क्या करते चलेंगे काउंट करते चलेंगे मेन कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर बताइएगा ठीक है सेशन इंडप होने के बाद फ्लैश बैक भी रहेगा

बीस अप्रैल इक्कीस अप्रैल बाईस अप्रैल या फिर तेईस अप्रैल फटाफट से आंसर 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 करेंगे आप सभी हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ है आपका सेकंडल अप्रैल भाई अप्रैल को मनाया जाता है ट्वेंटी सेकंड ऑफ अप्रैल आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट इज भारतीय दूध ब्रांड नंदिनी आगामी टी ट्वेंटी क्रिकेट विश्व कप में किन टीमों के प्रायोजक बन गया है किन दो टीमों का प्रायोजक बन गया है फटाफट आंसर करें टाइम स्टार्ट है आपका नेपाल श्रीलंका यूएस बांग्लादेश है स्कॉटलैंड इंग्लैंड है या फिर स्कॉटलैंड आयरलैंड है, है। फटाफट आंसर करोगे बताओगे क्या आंसर होने वाला है ठीक है तो फटाफट से बताना शुरू करें आंसर करना शुरू करें कमेंट बॉक्स में है ना ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं टोटल फिफ्टी थ्री क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ठीक है ठीके? तो बताइए क्या आंसर होने वाला है ओके okay, चलिए चलते हैं आंसर आंसर की तरफ राइट right है आपका स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड ऑप्शन डी आपका राइट right हो जाएगा ठीक है ऑप्शन डी आपका राइट right हो जाएगा चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इस नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है गुजरात की किस लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए हैं गुजरात की किस लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए हैं राजकोट सूरत गांधीनगर या ईस्ट अहमदाबाद फटाफट बताएंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे आप सभी चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है राइट आंसर है आपका सूरत ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट हो, हो जाएगा सूरत ठीक है गुजरात की किस लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध चुने गए हैं सूरत नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रसिद्ध एन एफ एल क्वार्टर बैक खिलाड़ी रोमिन का निधन हो गया वह किस मूल के थे यानी किस कंट्री से बिलोंग करते थे मूल रूप से रशियन फिलिपिन इंडियन या फिर जैपनीज चलेंगे आंसर की तरफ लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा तो फटाफट आंसर करते चलेंगे भाई हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर है आपका फिलिपिनो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा फिलिपिनो ठीक है नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहां किया पटना न्यू दिल्ली, वाराणसी या अहमदाबाद वेयर डेट पीएम नरेंद्र मोदी इनग्रेट द भवन भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव फटाफट आंसर करेंगे आप सभी बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग बहुत अच्छे आंसर करो भाई फटाफट फड़ करो चलिए टाइम होता है अब चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर है आपका न्यू दिल्ली ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा न्यू दिल्ली ठीक है चलो नेक्स्ट इज तेलंगाना के प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई बताओ फटाफट से हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ तेलंगाना फटाफट से बताएंगे आंसर करेंगे आप सभी चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ राइट आंसर क्या हो जाएगा उससे पहले आपको आंसर करना होगा तो राइट right आंसर है आपका ई एस एल नरसिमहन ऑप्शन सी आपका राइट right हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 अप्रैल 2024 को किस देश ने संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइलें समुद्र में लॉन्च कर दी भाई जापान रशिया साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया फटाफट -फट बताएं टाइम स्टार्ट है बिल्कुल डिटेल में न्यूज में रहा था हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था ठीक है कहीं ना कहीं ये जो चीजें क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं कहीं ना कहीं ये मॉर्निंग सेशन में डिस्कस हुए हैं आपके न्यूज के फॉर्म में हाँ कुछ हो सकते हैं कि कुछ आपकी न्यूज ना डिस्कस हुई हो ठीक है चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर है आपका नॉर्थ कोरिया ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन किस कंपनी ने लामा द्वारा संचालित उन्नत एआई असिस्टेंट का अनावरण किया मेटा गूगल अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट मेटा गूगल अमेजॉन माइक्रोसॉफ्ट फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का चलेंगे आंसर की तरफ राइट right आंसर आ जाएगा आपका मेटा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बिल्कुल डिटेल में आपके साथ डिस्कस हुआ था रिया। चले चलो किस कौन से खगोलविदों ने हमारी आकाशगंगा में सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल का पता लगाया विच एस्ट्रोनोमर्स अनकवर द लार्जेस्ट स्टेलर बैक स्टेलर ब्लैक होल इन अवर गैलेक्सी इंडियन अमेरिकन यूरोपियन रशियन बताएंगे फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे भाई चलिए चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर है डियर, यूरोपियन यूरोपियन नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया मनोज पांडे नलिन प्रभात दलबीर सिंह सुहाग मनोज मुकुंद नारवाने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है टाइम स्टार्ट है आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे भाई अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड फटाफट से आंसर करेंगे चलिए हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है तो राइट आंसर आपका निकल कर रहा है नलिन प्रभात ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा नलिन प्रभात नेक्स्ट इज विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हर वर्ष मनाया जाने वाला एक विशेष दिन है कब मनाया जाता है भाई वर्ल्ड बुक एंड कॉपी राइट डे स्पेशल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी अप्रैल ट्वेंटी फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल या फिर ट्वेंटी थर्ड अप्रैल फटाफट से आंसर करेंगे तो राइट right आंसर निकल कर आ रहा है ट्वेंटी थर्ड ऑफ अप्रैल भाई ट्वेंटी थर्ड ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट राइट डे नेक्स्ट क्वेश्चन चौतीसवां सेंगलेंग महोत्सव मेघालय में संपन्न हुआ द दर्टी फोर्थ फेस्टिवल कॉन्क्लूड्स इन मेघालय सेंग महोत्सव कॉन्क्लूड किया गया है मेघालय में मनाया गया सेंग महोत्सव मेघालय में संपन्न हुआ किस प्लेस पर लोकल प्लेस का नाम बताना है आपको वहजियर नैरटीएंग नॉनिजेंग या फिर उमूलोंग फटाफट बताएंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का आंसर करना शुरू कर देंगे ठीक है चलिए चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर है ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन किस कंपनी ने लामा थ्री द्वारा संचालित उन्नत का अनावरण किया है इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है मुझे लग रहा है हाँ रिपीट हुआ है राइट आंसर क्या हो जाएगा मेटा कौन सा देश समावेशी यात्रा का मार्ग प्रशस्त करते हुए उद्घाटन इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी करता है कंट्री होस्ट inaugural रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस पेविंग द वे फॉर इंक्लूसिव ट्रेवल फटाफट बताएं भूटान नेपाल श्रीलंका मंगोलिया फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का बिल्कुल डिटेल में ये न्यूज हमने आपके साथ डिस्कस की थी मैक्सिमम आपके क्वेश्चन जो मिलेंगे वो आपको मिलेगा कि कहीं ना कहीं न्यूज डेली सेशन में आपकी डिस्कस हुई होगी ठीक है करो करो फटाफट करो करो भाई आंसर करो चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ देखते हैं राइट आंसर क्या हो रहा है राइट आंसर निकल कर आ रहा है नेपाल नेपाल हमारा पड़ोसी देश जी हाँ काठमांडू राजधानी हो जाएगी भारत के पांच राज्यों के साथ सीमा साझा करता है वो राज्य कौन कौन से हैं यू स्क्वायर बी एस एसडब्ल्यू कोडवर्ड है इसका यू स्क्वायर मतलब यूपी और उत्तराखंड बी फॉर बिहार एस फॉर सिक्किम डब्ल्यू फॉर वेस्ट बंगाल ठीक है चलो उद्घाटन हिंदी रेडियो प्रसारण से किन देशों के संबंध मजबूत हुए हैं इंडिया कुवैत इंडिया ओमान इंडिया बहरीन या फिर इंडिया यान यमन फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का उद्घाटन हिंदी रेडियो प्रसारण से किन देशों के संबंध संपन्न हुए मजबूत हुए विच कंट्रीज रिलेशन स्ट्रेंथ विद इनग्रल हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट फटाफट आंसर करेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर इज इंडिया एंड कुवैत ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा इंडिया एंड कुवैत नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वी दिवस समारोह के लिए भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण कहां किया गया है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मुंबई न्यू न्यूडेली कोलकाता बेंगलुरु फटाफट बताएं टाइम स्टार्ट है आप सभी का ठीक है सभी आंसर करते चलोगे भाई काउंट करते चलोगे मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे सेशन के बाद कि सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं मंडे के सेशन में फिर हम आपके नेम अनाउंस करेंगे ठीक है इस बात को समझ लो चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर क्या हो जाएगा न्यू डेली ऑप्शन भी आपका राइट right हो जाएगा नेक्स्ट इज राष्ट्रीय रक्षा अच्छा विश्वविद्यालय ने रक्षा नवाचार के लिए किस देश के स्टार बस्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी द नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी हैज स्टार बस्ट एरोस्पेस ऑफ विच कंट्री फॉर डिफेंस इनोवेशन यूएसए जापान फ्रांस जर्मनी फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का स्टार बस्ट एरोस के साथ हाथ मिलाया है नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने डियर आपके साथ ध्यान है न्यूज डिस्कस हुई थी डिटेल में ठीक है स्टार बस्ट एरोपेस ठीक है राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस ऑप्शन सी आपका राइट right हो जाएगा फ्रांस नेक्स्ट क्वेश्चन जलवायु माउंट एरेबेस हाल ही में खबरों में था या किस महाद्वीप में स्थित है अंटार्कटिका एशिया यूरोप नॉर्थ अमेरिका ध्यान है बिल्कुल बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ था ठीक है बिल्कुल आपको आसानी से ध्यान होगा बहुत ही फास्ट आंसर कर रहे होंगे मुझे पता है बहुत ही फास्ट आंसर कर रहे हो आप सभी वेरी गुड बहुत अच्छे भाई चलेंगे आंसर की तरफ राइट right आंसर है आपका अंटार्क्टिका ऑप्शन है आपका राइट right हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है भाई नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व चलेंगे आंसर की तरफ लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा राइट आंसर निकल कर आ रहा है ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रैल ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रैल ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है विच कंट्री अपॉइंटेड कर्नल एडिसनो एज इट्स फर्स्ट डिफेंस एडवाइजर टू इंडिया ऑप्शन आपके सामने है फटाफट वनातु, 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 बताएं।, फट बताएं क्या आंसर होने वाला है किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर है आपका पापुआ न्यू गिनी ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी नेक्स्ट इज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का दलीप ताहिल नैमा खातून इरफान हबीब या फिर सुल्तान जहान फटाफट आंसर करो टाइम स्टार्ट है भाई फास्ट करो फास्ट करो फटाफट बिल्कुल वीकली सेशन पूरे वीक को आपको बता देता है पूरे वीक का आईना दिखा देता है कि कितनी तुम बदमाशी कर रहे हो या कितना तुम फोकस कर रहे हो है ना सेशन लाइव कर लिया करो है ना फिर बिजी तो तुम बहुत हो सारे दुनिया के काम तुम्हारे पास हैं इतने बड़े बिजनेसमैन हो तुम टाइम नहीं मिलता है तुम्हें लाइव आने का है ना बिल्कुल समझ रहे हम ठीक है आज आया करो लाइव सुधर जाओ लाइव सेशन करोगे तो एक्चुअल एग्जाम वाला फील करोगे प्रेशर समझोगे प्रेशर आएगा ना देखो इंसान इंप्रूव करता है प्रेशर में अगर आपके साथ सारी चीजें फ्री हो कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ रहे कोई कही नहीं रहा करो 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 है ना ठीक है बोलते रहो सर आप करो करो हमें तो जब करना होगा तभी करेंगे ठीक है ये वाली बात नहीं होनी चाहिए समझ रहे हो बात को देखो समझ लो प्रेशर के साथ ही काम होते हैं वो कोई भी हो हम हो आप हो थोड़ा सा एक डर होना चाहिए है ना डर हमारे लिए अच्छा है डर ऐसा ना हो कि इतना डर जाए कि काम ही ना कर पाए वो वाला डर नहीं बचपन वाला है ना चलिए फटाफट चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर आपका नैमक खातून हो जाएगा ऑप्शन भी राइट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ शांति के लिए बहुपक्षवाद और कूटनीति का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब बनाया जाता है भाई ये भी डे बहुत ही इंटरेस्टिंग है इज द इंटरनेशनल डे ऑफ एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस ऑब्जर्व फटाफट बताएं टाइम स्टार्ट है आप सभी का ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रैल है ट्वेंटी फिफ्थ है ट्वेंटी सिक्स है ट्वेंटी सेवंथ है फटाफट -फट बताओ टाइम स्टार्ट हो चुका है आंसर करना शुरू करना है आपको ठीक है ओके okay, और भैया सेशन को लाइक आइक कर दो अगर पसंद कर रहे हो तो लाइक कर दो फटाफट -फट, शेयर भी कर देना दोस्तों फ्रेंड के साथ ठीक है चलो संडे में रिकॉर्डिंग देख ले रहे हो कोई बात नहीं मंडे टू सैटरडे तो लाइव आया करो दद्दा ठीक है चलो चले आंसर की तरफ चलते हैं राइट right आंसर आपका हो ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रैल ठीक है ऑफ अप्रैल शांति के लिए बहुपक्षवाद और, बहु और कूटनीति का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रैल चलिए नेक्स्ट इज एयर इंडिया ने किस एयरलाइंस के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं एमिरेट्स स्टार अलायंस सिंगापुर एयरलाइंस या ऑल नेपन एयरवेज फटाफट बताओ टाइम स्टार्ट है आपका विच एयरलाइन डिड एयर इंडिया साइन अ कॉड शेयर एग्रीमेंट विथ एयर इंडिया ने किस एयरलाइन के साथ कॉड से समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं फटाफट फड़ बताना है आंसर करना है आप सभी को ठीक है करो फटाफट फड़ करो चलेंगे आंसर की तरफ राइट right आंसर निकल कर आ रहा है ऑल नेपॉन एयरवेज ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा ऑल नेपॉन एयरवेज ठीक है चल नेक्स्ट इज कौन सा संगठन नैनो यूरिया प्लस का उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है बायर सिंगेंटा एफको या फिर मॉनसैनेटो विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू बिगन प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया प्लस विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू बिगन प्रोडक्शन ऑफ नैनो यूरिया प्लस बताएं। टाइम स्टार्ट है आंसर करना शुरू करें कौन सा संगठन नैनो यूरिया प्लस का उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है बायर है सेंगेंटा है इफको है मॉनसैनजो है फटाफट -फड़ बताएंगे चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर निकल कर आ रहा है इफको ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा इफको ठीक है चलिए नेक्स्ट इज किस देश का यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है नीदरलैंड स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया जर्मनी फटाफट बताया विच कंट्री इज नोन एज प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप विच कंट्री इज नोन एज प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है किस देश को नीदरलैंड है स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया जर्मनी चलेंगे आंसर की तरफ राइट right आंसर है आपका स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा स्विट्जरलैंड तो ये था हमारा 25 क्वेश्चन का कलेक्शन डियर कंप्लीट हुए 25 क्वेश्चन अब हम चलेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की तरफ ठीक है नेक्स्ट 26 क्वेश्चन की तरफ और फिर दो क्वेश्चन और यानी टोटल 53 क्वेश्चन हमें करने हैं तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की आ चुका है बताएं। telecom, खपत में कौन सी कंपनी चाइना मोबाइल को पछाड़ कर विश्व की सीर टेलको बन गई है रिलायंस जियो भारतीय एयरटेल वोडाफोन ग्रुप या भारतीय संचार, भारत संचार निगम लिमिटेड या भारत संचार निगम लिमिटेड फटाफट फड़ से आंसर करेंगे आप सभी लेकिन उससे पहले हमें चलना होगा आंसर आपको करना होगा आंसर टाइम स्टार्ट है चलेंगे आंसर की तरफ तो राइट आंसर डेटा ट्रैफिक खपत में कौन सी कंपनी चाइना मोबाइल को पछाड़कर कर की सी को बन गई है राइट ए रिलायंस जियो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट सौर सेल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक अभूतपूर्व अंतरिक्ष मिशन किसने लॉन्च किया नासा इसरो रूस कॉस्मोस फटाफट बताएं टाइम स्टार्ट है हु अ ग्राउंड ब्रेकिंग स्पेस मिशन यूटिलाइजिंग सोलर सेल टेक्नोलॉजी सौर सेल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक अभूतपूर्व अंतरिक्ष मिशन किसने लॉन्च किया नासा इसरो रूस कॉस्मोस फटाफट आंसर करेंगे आप सभी बताएं क्या आंसर होने वाला है ओके okay. चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर आपका नासा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा नासा बिल्कुल आपके साथ डिटेल में न्यूज डिस्कस हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबोशुभियांतो को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है प्रोबोशुबियंतो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री चाइना जापान वियतनाम इंडोनेशिया फटाफट बताएं टाइम स्टार्ट है आप सभी का फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी प्रोबोबो शुभियांतो को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है चाइना जापान वियतनाम इंडोनेशिया फटाफट फड़ से आंसर करोगे भाई चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है इंडोनेशिया ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता प्रोबोबो शुभयंतो जो कि फरवरी में अपने चुनाव में जीतकर आ गए थे लेकिन इनके खिलाफ जो है कोर्ट में केस गया था तो उस पर सुनवाई चल रही थी उसी का रिजल्ट आया है नेक्स्ट इज टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है विद विच बैंक हैजाटा पावर सोलर सिस्टम अनाउंस स्ट्रेटेजिक कोलाबोरेशन एसबीआई एच डी एफ सी इंडियन बैंक एक्सिस बैंक फटाफट बताएंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का आंसर करेंगे भाई टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस बैंक के साथ रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है एस है एस है इंडियन बैंक है एक्सिस बैंक है फटाफट से आंसर करोगे बताओगे क्या आंसर होने वाला है तो राइट right आंसर निकल कर आ रहा है डियर इंडियन बैंक ऑप्शन सी आपका राइट right हो जाएगा इंडियन बैंक नेक्स्ट इज 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए सी डॉट ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं विद हुम हैज एन एग्रीमेंट टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ 5G जी नेटवर्क आई दिल्ली डेली आई जोधपुर आई मुंबई आई टी वाराणसी फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर क्या है तो राइट आंसर है आपका आई जोधपुर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा आई जोधपुर चलिए नेक्स्ट इज उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शहद का शहर के नाम से जाना जाता है भाई विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज सिटी ऑफ हनी उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शहर हत के शहर के नाम से जाना जाता है फटाफट बताएंगे मेरठ कानपुर सहारनपुर या फिर लखनऊ चलेंगे आंसर की तरफ उससे पहले आंसर करना होगा आपको चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर है आपका सहारनपुर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, वर्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन वर्ड मलेरिया डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी अप्रैल अप्रेल ट्वेंटी अप्रैल ट्वेंटी फोर्थ चलो आंसर करो भाई फटाफट आंसर करो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फटाफट करो चले आंसर की तरफ राइट आंसर निकल कर आ रहा है आपका ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अप्रैल ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अप्रैल ठीक है चलिए नेक्स्ट इज विश्व अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है भाई यह भी डे आपके साथ डिस्कस हुआ था डिटेल में वेन डज द वर्ल्ड सेलिब्रेट इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव डे 25th अप्रैल है ट्वेंटी अप्रैल 27th अप्रैल 28th अप्रैल फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का फटाफट से आंसर करो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है तो राइट आंसर है आपका 25th ऑफ अप्रैल ऑप्शन ए इज राइट नाउ किस बैंक ने अमिताभ चौधरी को तीन और वर्षों के लिए एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया भाई दोबारा से से रीअपॉइंटमेंट हुआ है विच बैंक रीअपॉइंटेड अमिताभ चौधरी एज एमडी एंड सीईओ फॉर इयर्स अगर आपको पहले से पता है तो बहुत अच्छी बात है एमडी एंड सीईओ किस बैंक में है ये और इनको तीन साल के लिए फिर से क्या कर दिया गया रीअपॉइंट किया गया ठीक है फटाफट बताइए राइट आंसर क्या है मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ चौधरी जी ही रहेंगे इस बैंक में आगे आने वाले तीन सालों तक राइट right आंसर आपका है एक्सिस बैंक ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा एक्सिस बैंक ठीक है अच्छा अभी हाल ही में आरबीआई के बताओ आरबीआई के कौन से डिप्टी गवर्नर हैं जिनको जिनको तीन ईयर का एक्सटेंशन मिल गया है आरबीआई के कौन से डिप्टी गवर्नर है उनका नाम बताओ फटाफट से मैं देख रहा हूं कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर करो लिखो नाम लिखो लिखो टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं आरबीआई के ट्वेंटी है ना फाइव ऑफिशियल सिक्सटीन नॉन ऑफिशियल फाइव ऑफिशियल में एक गवर्नर साहब होते हैं और चार डिप्टी गवर्नर होते हैं गवर्नर और डिप्टी गवर्नर का जो कार्यकाल होता है ये कितने साल का होता है थ्री इयर्स का होता है ठीक है एक्सटेंशन दो साल का मिल सकता है यहाँ पे एक ईयर वन ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है कौन से आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है जिनको वन ईयर का एक्सटेंशन दिया गया है बताओ फटाफट ओके वेरी गुड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला बाघों की भूमि के नाम से जाना जाता है भाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज लैंड ऑफ टाइगर्स फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है, आपका बहराइच बागपत बदायूं या फिर हापुड़ बहराइच बागपत बदायूं या फिर हापुड़ फटाफट आंसर करेंगे बहुत अच्छे चलिए चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर है आपका बागपत ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा

करो करो फटाफट फड़ करो चले राइड इज ट्वेंटी एट बिलियन डॉलर ट्वेंटी एट बिलियन डॉलर और ये लास्ट ईयर से कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला है टेन परसेंट का ठीक है न्यूज डिस्कस हुई थी बिल्कुल हुई थी ध्यान है ना आपको हां और ये कौन सा एफ वाई टू फोर कंप्लीट हुआ ना उसी का डेटा आया निकलकर ठीक है निकल कर. चलो नेक्स्ट इज किस देश को आधी रात के सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है बिल्कुल देखिए स्टैटिक पार्ट पे आप लोगों ने बोला था कि सर स्टैटिक पार्ट पे क्वेश्चन ऐड किया करिए तो ये कुछ स्टैटिक पार्ट के ही क्वेश्चन हैं आपके विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ मिड सन किस देश को आधी रात के सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है बताओ भाई नॉर्वे है आइसलैंड है स्वीडन है स्विट्जरलैंड है बता दो फटाफट किस देश को आधी रात के सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है टाइम स्टार्ट है अच्छा देखो मेरे दिमाग में एक बात आती है जैसे क्वेश्चन आता है ना एक होता है आई क्यू क्यू आपको बताया ही था डिस्कस भी हुआ था मैंने ये जो पिक्चर इमेज लगाई थी ये मैंने आपको ध्यान में रख के लगाई थी लेकिन कहीं ना कहीं ये होता मेरे साथ है क्वेश्चन देखो है और यही मैं आसपास क्या कर रहा हूं वॉक कर रहा हूं तो ये क्वेश्चन का इंतजार कौन कर रहा है ये मैं हूं या आप हो दोनों हो सकते हैं दोनों एज्यूम कर सकते हैं लेकिन मुझे अभी मतलब जब मैंने ये इमेज लगाई थी मतलब एक शेयर कर रहा हूं छोटा सा इवेंट समझना इसका इससे कोई लेना देना नहीं है पढ़ाई से एक सोच है कि जब मैंने ये इमेज लगाई थी मैंने सोचा था कि ये कौन है तुम हो लेकिन अभी एक दिन विचार आया मैंने ये इमेज लगाई थी कि ये आप लोग हैं लेकिन कहीं ना कहीं करता तो मैं हूं ये तो ये कौन है ये मैं हूं जो इंतजार कर रहा हूं किसका तुम्हारे आंसर का तो इंतजार किस बात का करो आंसर फटाफट समझ क्या रहे हो तुम कहानी सुनाने जा रहा हूं नहीं भाई आंसर करो चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर है आपका नार्वे नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और यहां पर पीस का नोबेल प्राइज दिया जाता है शांति के क्षेत्र में मिलने वाला नो, नोबेल प्राइज जो है वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और बाकी के सारे कहा स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते, है। छे जाते हैं नोबेल प्राइज छह क्षेत्रों में दिए जाते हैं सिक्स फील्ड में दिए जाते हैं दस दिसंबर को ये फाइनली दिए जाते हैं है ना और फाइनल इनका अनाउंसमेंट पहले से अक्टूबर मंथ से होना शुरू हो जाता है ठीक है अलेवन मिलियन स्वीडी कोरोना की राशि यहां पर दिया जाती है ठीक है चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट इज पासपोर्ट अफोर्डेबिलिटी रैंकिंग के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे किफायती है बताओ भाई आंसर करो अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट अफोर्डेबिलिटी रैंकिंग विच कंट्रीज पासपोर्ट इन द मोस्ट अफोर्डेबल फटाफट आंसर करेंगे आप सभी यूएई इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूएसए ठीक है बिल्कुल सच अभी मेरे दिमाग में ये बात आज आई है एक बार और मैं सोच रहा था ऐसे ही अभी दो ही दिन हुए तो अभी तभी मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए वैसे आपकी भी नजर जाती होगी अब देखो क्या है ना डियर हम छोटे हों या बड़े हों कहीं ना कहीं हमें थ्योरी और ये सारी चीजें थोड़ा सा एक करती है ना पढ़ाई पढ़ाई हर जगह अगर थोड़ा सा पिक्चर्स या इस तरह की चीजें रहती हैं ना अब जैसे हमारा दिमाग भी है थ्योरी में अगर सोचने लगे ना तो पागल हो जाओगे पिक्चर और इमेज ना हो ना तो फिर तुम फाइनली कनेक्ट नहीं हो गए इसी वजह से पढ़ाई हमें बोरिंग लगती है है ना बचपन से लेके आज तक इसी वजह से पढ़ने का मन किसका करता है भाई किसी का नहीं करता है लेकिन जब उसे लाइफ में कुछ एम मिल जाता है कुछ गोल मिल जाता है कुछ ऐसा मिल जाता है जो उसे एक्सप्लोर करता है दैट इज फिर वो करना शुरू करता है कि बेटा भाई कर लो अब नहीं करे अब नहीं तो कभी नहीं तब हम जागते हैं नहीं तो पढ़ने का मन किसका करता है है ना अब आप पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो नहीं भाई पढ़ने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हो बहुत कुछ इंप्रूव करने के लिए पढ़ रहे हो अपनी लाइफ में रंग भरने के लिए पढ़ रहे हो अपनी लाइफ को कलरफुल बनाने के लिए पढ़ रहे हो इंप्रूवमेंट के लिए पढ़ रहे हो तरक्की के लिए पढ़ रहे हो बहुत सारी विचारधाराएं हैं जो तुम्हारे साथ चल रही हैं बहुत कुछ तुम्हें अचीव करना है बहुत कुछ प्राप्त करना है है ना चलिए चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर तो ऐसे पॉजिटिव रहा करिए ये ऑप्शन ए आपका राइट हो गया ठीक है बहुत बार होता है मुंह लटकाए रहते हैं मुंह लटकाए रहने से अच्छा नहीं खुश रहिए आवाज रहिए एनर्जी के साथ रहिए ऊर्जा से भरे रहिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए ठीक है ठीके? ऐसा क्या है जो तुम्हारे पास से किसी ने छीन लिया कोई तुमसे कुछ छीन नहीं सकता है ना और कोई कुछ दे नहीं सकता कोई कुछ तुमसे छीन नहीं सकता कोई कुछ तुम्हें दे नहीं सकता दे सकता है तो केवल एक और वो कौन है वो कौन है वो अगर हम बात करें देखो अगर हम बात करें तो देने वाला ऊपर वाला है लेकिन अगर हम भौतिकतावादी संसार की भी बात करें तो अगर कोई हमें कुछ दे सकता है तो वो कौन है वो हम खुद हैं अगर हम खुद कुछ करेंगे तो हमें मिलेगा लेकिन मिलेगा कब ये डिसाइड नहीं होता है ना हमें अपने काम करने हैं टाइम के साथ मिलेंगे चीजें होंगी अगर कोई हमसे कोई भी कुछ नहीं छीन सकता कोई भी कुछ दे नहीं सकता अगर हम लेना ना चाहें तो हमें जो कुछ भी मिलेगा वो खुद के करने से मिलेगा डूअर बनना होगा हमें सोचने से नहीं होता लाइफ में 90 परसेंट लोग परेशान पता क्यों है क्योंकि वो सोचते बहुत हैं ये करना है वो करना है ये करना है लेकिन वो कर नहीं पाते एक्शन नहीं ले पाते एक्शन लेना बहुत जरूरी है अगर आप एक्शन ले रहे हो तो आप ताकतवर हो स्ट्रेंथ हो स्ट्रांग हो ठीक है चलो ज्यादा हो रहा है मुझे लग रहा है, है ना चलो चलते हैं भाई आगे चलते हैं है ना कभी कई बार बहुत बहुत आता है रुकता नहीं है तो हम कहते हैं चलो भाई जाओ है ना लेकिन एक लिमिट में होना चाहिए चलो आ जाओ भाई है ना तुम लोग बताना कभी ज्यादा भी होता होगा बोर भी होते हो है ना हु हैज नेम्ड द ऑफिशियली एम्बेसडर्स फॉर द अपकमिंग आईसीसी मैं टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप आगामी आईसीसी पुरुष टी ट्वेंटी विश्व कप के लिए किसे आधिकारिक राजदूत के रूप में नामित किया गया है माइकल फेलेप्स होशैन बोल्ड रॉजर फेडरल लियोनल वैसी लेकिन कहीं ना कहीं तुम भावनाएं समझते हो हमारी है ना चलो आप देख रहे हो क्वेश्चन होते जा रहे हैं और बातें चलती जा रही हैं दिमाग में होता जा रहा है तो बहुत आसानी से एक ऐसे काम ऐसे करो इतनी सादगी से करो कि वो काम काम ही ना लगे काम इतनी सादगी से करो कि काम काम ही ना लगे क्योंकि काम काम लगेगा तो बोझ लगेगा क्योंकि काम बोझ होता है लेकिन खेल खेल होता है तो लाइफ आपकी खेल बन जाएगी है ना चलिए फटाफट माइकल फेलेप्स उसेन बोल्ट रॉजर फेडरल लियनल मैसी फटाफट आंसर करें ठीक है जैसे आपने बहुत सारे क्रिकेटर देखे होंगे वीरेन्द्र सहवाग को भी देखा होगा सबका अलग अलग अपना हुनर है सभी का अलग अलग है कुछ ना कुछ लेकिन वीरेन्द्र सहवाग कैसे आते थे भाई देखो मुझे डर नहीं है कि मैं आउट हो जाऊं मुझे खेलना है तो खुल के खेलना है एक बार बल्ला मेरा खुल गया तो फिर बॉलर्स के तो छक्के छुड़ा देने बॉलर सोचेंगे भाई अपने दुर्भाग्य से ही तू आउट हो जा है ना सहवाग पाजी तू अपने भाग्य से ही आउट हो जा दुर्भाग्य हो जाए तेरा कि तू आउट हो जा किसी तरह हमसे तो नहीं हो रहा है ना समझ रहे हो ना बात को तो बस ये समझो अब अलग अलग किरदार होंगे आपके भी ऐसे ही लाइफ में अपने सबके अलग अलग काम करने के तरीके और चीजों को करने का तरीका होगा अभी जैसे देखो फर्स्ट हाफ गया ट्वेंटी का वो बहुत ही ऐसे नॉर्मल जा रहा था सेकंड हाफ गया थोड़ा सा क्रिएटिव या थोड़ा सा एनर्जाइज जैसे मैं भी पता नहीं क्यों पहले 25 क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा सा लो फील हो रहा था ये सेकंड 25 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें थोड़ा सा एनर्जाइज फील हो रहा है है ना चलो चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर हो जाएगा उसे बोल बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ध्यान देना आगामी आईसीसी पुरुष टी ट्वेंटी विश्व कप के लिए किसे आधिकारिक राजदूत नामित किया गया अच्छा जरूर एक ये, ये बात बताना भैया ये जो बातें ऐसी हो जाती हैं ना बीच में ये तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं करती हैं पता चला हम अपने चक्कर में तुम लोगों का बेड़ा गर्क कर देते हूं। है ना बता देना पूछ लिया है मैंने इसी वजह से ठीक है कमेंट बॉक्स में ही बता देना ठीक है और बिल्कुल मेन कमेंट बॉक्स में बता दिया करो सेशन कैसा लगा क्या फील करते हो है ना क्या क्या ऐसा लगता है जो चीज अच्छी नहीं है क्या ऐसा लगता है जो अच्छा है और अच्छा किया जाना चाहिए या तुम्हारी क्या एक जरूरत है या क्या ऐसा फील फील करते हो जो कहीं ना कहीं तुम्हें लैकनेस लगती है कुछ कमी लगती है ऐसी कोई कमी दिखती है क्या अगर दिखती है तो बिल्कुल बताया करो ठीक है चलिए फटाफट चलेंगे आंसर की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तीरंदाजी दो हजार चौबीस कहां शुरू हुआ वेयर हैज द आर्चरी वर्ल्ड कप कपोर बिगन टोक्यो लंडन संघाई पेरिस बहुत ही क्वेश्चन है फटाफट बताएं टाइम स्टार्ट है आप सभी का ठीक है ओके वेयर हैज द आर्चरी वर्ल्ड कप कपोर बिगे चलेंगे आंसर आंसर की तरफ राइट आपका निकल कर आ रहा है संघाई ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा संघाई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई प्रतिबंधों के कारण किस बैंक के शेयर मूल्यों में 10 परसेंट की गिरावट का सामना करना पड़ा बताइए विच बैंक फेज द 10 परसेंट शेयर प्राइस ड्रॉप ड्यू टू आरबीआई रेस्ट्रिक्शन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है फेडरल बैंक है एक्सिस है बैंक है। फटाफट आंसर करोगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का आंसर करना शुरू कर देंगे आप सभी हमें इंतजार है आपके आंसर का और आपको इंतजार होगा हमारे आंसर का दोनों ही इसी इंतजार में आगे बढ़ते रहते हैं और लाइफ ही चलती रहती है ठीक है ना अट्रैक्शन वो क्या बोलते हैं उसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है, है ना चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर है महिंद्रा बैंक ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा महिंद्रा बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन इन भारत द्वारा परीक्षण की गई स्ट्राइक रेंज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की की उत्पत्ति किस देश ने है कंट्री द स्ट्राइक रेंज एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल टेस्टेड बाय इंडिया फटाफट आंसर करेंगे इसराइल रशिया चाइना फ्रांस फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का आंसर करना शुरू करेंगे भाई चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ राइट right आंसर निकल कर आ रहा है आपका इसराइल ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा इसराइल ठीक है चलो नेक्स्ट इज रिपोर्ट के अनुसार कौन से राज्य भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व कर रहे हैं बताओ भाई अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विच स्टेट हेड इंडिया क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन महाराष्ट्र तमिलनाडु केरला राजस्थान कर्नाटका गुजरात और पंजाब एंड हरियाणा फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का ठीक है टाइम स्टार्ट है आप सभी का हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा ठीक है चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर है आपका कर्नाटका एंड गुजरात ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा कर्नाटका एंड गुजरात ठीक है चले चलो भाई रिपोर्ट के अनुसार भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व तो कर रहे हैं कर्नाटका और गुजरात चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अंतरराष्ट्रीय गर्ल्स एंड आईसी टी सूचना और प्रसारण प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई इज इज इंटरनेशनल इंटरनेशनल गर्ल्स गर्ल्स इन इन आईसीटी 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 दैट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व एनअली ऑन कब मनाते हैं मना है थर्टीथ अप्रैल फटाफट आंसर करोगे टाइम स्टार्ट है आपका आंसर करना शुरू करेंगे ठीक है चले चलो चलो चलते हैं नेक्स्ट राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है नेक्स्ट इज ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अप्रैल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देश पृथ्वी दिवस 2024 के लिए टाइगर लैंडस्केप सम्मेलन के लिए सतत वित्त का नेतृत्व तो कर रहा है भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है विच कंट्री इज स्प्रेडिंग स्पेयर हेडिंग द सस्टेनेबल फ्रांस फाइनेंस सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस फॉर अर्थ डे ट्वेंटी इंडिया नेपाल भूटान श्रीलंका इंडिया नेपाल भूटान श्रीलंका फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का कौन सा देश पृथ्वी दिवस 2024 के लिए टाइगर लैंडस्केप सम्मेलन के लिए सतत वित्त का नेतृत्व कर रहा है इंडिया नेपाल भूटान श्रीलंका फटाफट आंसर करेंगे आप सभी टाइम स्टार्ट है आप सभी का हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा चले चलिए चलते हैं राइट आंसर की तरफ राइट आंसर आ रहा है आपका भूटान ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट नाउ ठीक है चलते हैं नेक्स्ट इज कौन सा देश पृथ्वी दिवस 2024 के लिए टाइगर लैंडस्केप सम्मेलन के लिए सतत वित्त का नेतृत्व कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज सौरभ घोषाल किस पेशे से सेवानिवृत्त हुए व्हाट प्रोफेशन डिट सौरभ घोषाल रिटायर फ्रॉम सौरभ घोषाल किस पेशे से सेवानिवृत्त हुए क्रिकेटर फुटबॉलर टेनिस प्लेयर स्क्वैश प्लेयर फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आपका हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपको पता होगा भाई सौरभ घोषाल बहुत ही जाना माना नाम है और ये राइट आंसर हो जाएगा स्कैश प्लेयर ऑप्शन नाउ प्लेयर नेक्स्ट इज इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के नए रेजिडेंट समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया हैजिन अपॉइंटेड एज अ न्यू यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन इंडोनेशिया गीता सबरवाल दियन त्रसनी अमनाथा नासिर हसन कैलिब फटाफट पड़ बताओ टाइम स्टार्ट है आपका आंसर करना शुरू करें भाई है ना आंसर करना शुरू करो फटाफट फट से बिना किसी देरी के मार्क्स काउंट करते चलना भूल मत जाना समझ रहे हो चलो चलते हैं आंसर की तरफ राइट आंसर है गीता सबरवाल ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन इज़ राइट, राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए द्वारा संचालित किस भारतीय सेल बोट ने एक ऐतिहासिक ट्रांस औिक अभियान पूरा किया है विच इंडियन सेल बोट क्रूड लेफ्टिनेंट कैडा दिलना के एंड लेफ्टिनेंट कैडा रूपा ए कॉम्प्लीटेड हिस्टोरिक ट्रांसिक एक्सपीडेशन आंसर करेंगे फटाफट टाइम स्टार्ट है आपका डियर आई एन एसवी तारीदे महादे, आई एन वी विक्रमादित्य आई एन एसवी विराट चलेंगे आंसर की तरफ राइट आंसर है आपका आई एन एसवी तारिणी तारिणी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट के ए आई एप का नया नाम क्या नाम है जो स्थिर छवियों को सजीव चेहरों के भावों के साथ एनिमेटेड वीडियो में बदल देता है माइक्रोसॉफ्ट ए आई एप का क्या नाम है जो स्थिर छवियों को सजीव चेहरों के भावों के साथ एनिमेटेड वीडियो में बदल देता है वासा वन आर्गो टू जेटा थ्री टैंगो फोर फटाफट आंसर करेंगे टाइम स्टार्ट है आप सभी का टाइम स्टार्ट नाउ फटाफट से आंसर करना शुरू करेंगे भाई हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ देखेंगे राइट आंसर क्या हो रहा है चले वॉट इज द नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ए आई एप ट्रांसफॉर्म्स स्टिल इमेजेस इन टू एनिमेटेड वीडियो विद लाइफ लाइक फेशियल एक्सप्रेशन राइट आंसर है आपका वासा वन ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा वासा वन ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 महासागर दशक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था पेरिस लंडन रोम बार्सिलोना फटाफट बताए वेयर वॉज द ट्वेंटी फोर्थ ओशियन डैकेट हेल्थ दो हजार चौबीस महासागर दशक सम्मेलन कहा आयोजित किया गया था टाइम स्टार्ट नाउ नाउ वेरी गुड फटाफट फटाफट करेंगे फास्ट करो फास्ट करो राइट आंसर इज बार्सिलोना ऑप्शन डी इज राइट नाउ ऑप्शन डी इज राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टैग दे रहा हूं मैं इसे समझ पा रहे हो अब ऐसा मत समझना और सारे इंपॉर्टेंट नहीं है है ना वो निगेटिव एस्पेक्ट हो गया दो हजार चौबीस में वर्ल्ड प्रेस द ईयर पुरस्कार किसने जीता है Who won वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड इन ट्वेंटी फोर मोहम्मद सलेम अहमद हसन फातिमा अली इब्राहिम खान वेरी गुड फटाफट आंसर करो भाई फटाफट से करो ओके okay. चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ चले रुक जाओ बिल्कुल वन पे आ जाते फिर चलते हैं ठीक है चलिए चलते हैं राइट आंसर आ जाएगा आपका मोहम्मद सलीम ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि 51 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन हां नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 51 कंप्लीट हुए ना 53 थ्री क्वेश्चन है आज के सेशन में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 में भारत ने वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सा स्थान सुरक्षित किया है बताओ भाई बिल्कुल डिस्कस हुआ था ना आपके साथ सिपरी की रिपोर्ट आई थी

तो रियर राइट आंसर यहां पर निकल कर आ रहा है रतन टाटा ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसी के साथ ही 53 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं आज के सेशन में फिफ्टी थ्री क्वेश्चन किए हैं डियर ठीक है तो ये था हमारा एमसीक्यू का पार्ट आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा अगर एंजॉय किया तो फटाफट से लाइक करो अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना मेन कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स बताने शुरू कर सकते हो मेन कमेंट बॉक्स में लाइव में नहीं मेन में ठीक है अब हम चलते हैं फ्लैश बैक की तरफ दैट इज फ्लैश बैक जो कि आपका इस पूरे वीक में ट्वेंटी फर्स्ट से ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ अप्रैल तक जो भी न्यूज रही है ट्वेंटी एट अप्रैल के इस वीकली सेशन में हम देखने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं चलते हैं आज के फ्लैशबैक की तरफ फ्लैशबैक संडे में आपका स्वागत है और शुरू करते हैं ये फ्लैशबैक डेट इज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए और यह पद्म अवार्ड आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुए थे टोटल वन थर्टी टू अवार्ड्स दिए गए पद्म विभूषण पांच थे पद्म भूषण सत्रह थे पद्मश्री एक सौ दस थे टोटल 132 थे ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ये, है ये, ये, है ये और भारत गए थे बिलियन डॉलर पहुंचा हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट ठीक है नेक्स्ट न्यूज थी प्रदेश ने दस राज्यों में वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करते हुए ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को लागू करने वाला उत्कृष्ट राज्य बना है मध्य प्रदेश नेक्स्ट बात करें नाइजीरिया ने ना नया मैनिने टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कर्मचारी स्काई ट्रैकर्स पुरस्कार जीतने वाला हवाई अड्डा बना हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ठीक है, है। स्काई ट्रैकर्स अवार्ड जीतने वाला हवाई अड्डा बना है अंतर्राष्ट्रीय है, हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई है हाँ अड्डा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है एप्पल और क्लीन मैक्स ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा फोर्टीन पॉइंट मेगावाट को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहा है नेक्स्ट इज बिजनेस एंड कॉर्पोरेट न्यूज थी नेक्स्ट आ रही है एक्सपोर्ट से जनरल मनोज पांडे ने उजबेकिस्तान में सशस्त्र बल अकादमी में हाईटेक आई टी लैब का उद्घाटन किया नेक्स्ट चले भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन किया पिछले वर्ष वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह बढ़कर 19 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा 19 नाइनटीन पॉइंट कितने लाख करोड़ था बताओ भाई फटाफट एक्जैक्ट अमाउंट ठीक है चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है नेक्स्ट न्यूज सॉरी नेक्स्ट फ्लैश बैक की तरफ नेक्स्ट फ्लैश बैक है ए एफ एमसी और आई टी दहली ने सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं नेक्स्ट आ जाए विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है ट्वेंटी सेकंड ऑफ अप्रैल को मनाया गया नलिन प्रभात को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के महानिदेशक के रूप में क्या किया है अपॉइंट किया गया इससे पहले ये जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ महानिदेशक थे सरकार ने तीन अतिरिक्त सचिव स्तर की नियुक्तियों को मंजूरी दी है वो नियुक्तियां आपको सेशन में ही मिली होंगी और उनको ध्यान रखना है बिल्कुल आरबीआई ने पांच सहकारी बैंकों पर 60.3 लाख का जुर्माना लगाया है ये जुर्माना किन किन बैंकों पर लगाया है वो आपको ध्यान रखना है सेशन में आपको मिलेगा फ्लैशबैक पार्ट है भारत के सत्रह वर्षीय डी क्वकेश ने कैंडिडेट सतरंश टूर्नामेंट क्या कर लिया है विन कर लिया है इन्होंने ठीक है किसको हराकर विन किया है बिल्कुल आपको ध्यान रखना है डी क्वकेश नाम बिल्कुल ध्यान रखना है आपको इनका इंग्लैंड के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज रमन सुब्बारो रमन सुब्बारो का क्या हुआ निधन हुआ अरे कहा गए रमन सुब्बारो जी आ जाए प्लीज इंग्लैंड हाँ, के पूर्व टेस्ट बल्लेबाज है रमन सुब्बारो का वर्ष की की आयु में निधन हुआ किसी ऑबचरी होती है क्या करे बिल्कुल हमारी संवेदनाएं होती हैं जो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म निश्चित है यह जन्म मृत्यु का जो सिलसिला है यह ऐसे ही चलता रहेगा लेकिन दुखद बात है कि हमें एज अ न्यूज के फॉर्म में यह चीज डिस्कस करनी होती है, है ना उस चीज को हमें ये हमारे लिए एग्जाम का पार्ट बनता है लेकिन बिल्कुल हमारी संवेदनाएं भी साथ में होती हैं जब हम किसी की मृत्यु देखते हैं तो फाइनली हमें एक सच का आगाज होता है जो कबीर कबीरदाजी का एक दोहा दोहां ध्यान आता है चलती चक्की देखकर कबीरा दिया रोए चलती चक्की देख कर कबीरा दिया रोए दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न नको ये दो पार्ट जो बोले गए हैं शायद आप बिल्कुल बिलोंग करते होंगे रूरल एरियाज से और फाइनली कहीं ना कहीं हम सभी करते हैं क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है आज हम शहरों में आ गए हैं आज हम बहुत सारा तरक्की बहुत सारे डेवलपमेंट बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं लेकिन गांव से हमें बिल्कुल कनेक्ट रहना चाहिए एक्चुअल जीवन हमें देखने को मिलता है कि लाइफ एक्चुअल में है क्या और हमारे पूर्वज वहीं से बिलोंग करते हैं भले ही हमारी एक दो पीढ़ियां शहरों में रह रही हो गांव का नाम ना जानती हो गांव ना जानती हूं लेकिन यह बड़ा दुखद है जिसके पास गांव है जिसके पास अपना घर है गांव में लैंड है है ना गांव की किसी पेड़ की छाव में बैठकर कुछ बातें कर सकता है गांव के लोगों का अपनापन देख सकता है तो वो बहुत ही एक मैजिकल uh, है वो यहां की दुनिया की जो मोह माया है इससे सब परे है ठीक है ना तो यह कबीरदास जी का दोहा बताने की कोशिश कर रहा है क्या जो मैंने अभी कहा चलती चक्की देखकर कबीरा दिया रोए दो पाटन के बीच में साबुत बचाना हो ये दो पार्ट क्या है ये दो पार्ट है जन्म और मृत्यु ठीक है चलिए तो आयो बिल्कुल ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फ्लैशबैक संडे आप देख रहे हैं चलिए फ्लैशबैक संडे में हम आगे बढ़े तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया और यह किस नंबर का निर्माण महोत्सव था फटाफट फड़ से बताइए आपके साथ डिटेल में यह न्यूज डिस्कस हुई थी ठीक है नेशनल न्यूज के पार्ट पे फाइनली डिस्कस किया गया था इसको और फाइनली इनोग्रेशन किया गया था ये नेक्स्ट हम चले विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल तेईस अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड बुक एंड कॉपी राइट डे डायरेक्टली इंपॉर्टेंट रहेगा ये डे ईएसएल नरसिम्हन तेलंगाना के पहले राज्यपाल थे और फाइनली बहुत इतने मैक्सिमम टाइम तक राज्यपाल के पद पर बने रहने वाले पहले राज्यपाल बन गए हैं ये ऑल ओवर इंडिया के गुजरात की सूरत लोकसभा सीट में बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध निर्वाचित हो गए क्योंकि भैया इनके अगेंस्ट में कोई है ही नहीं नेक्स्ट आ जाएंगे हम लोग उत्तर कोरिया ने 22 अप्रैल 2024 को संदिग्ध बैलिस्टिक मिसाइलें समुद्र में क्या कर दी हैं लॉन्च कर दी हैं यूरोपीय खगोलिद ने हमारी आकाश में सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल का पता लगाया है भारतीय दूध ब्रांड नंदिनी आगामी टी क्रिकेट विश्व कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड का टीमों का प्रायोजक बन गया है प्रसिद्ध एनएफएल क्वार्टरबैक खिलाड़ी रोमन ग्रैबियल का निधन हो गया वह फिलिपिनो मूल के थे फिलिपिनो मूल के थे केंद्र सरकार ने श्री टी रविशंकर को तीन मई दो से एक वर्ष की अवधि के लिए क्या कर दिया है रिअपॉइंट कर लिया है रिअपॉइंटमेंट हो गया है सुरक्षा सचिव गिरधर अरमाने कजाकिस्तान में एस और रक्षा अच्छा मंत्रियों की बैठक में क्या करेंगे भाग लेंगे डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरमाने साहब टू अटेंड एससी और डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन कजाकिस्तान नेपाल के नेपाल ने उद्घाटन इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन की मेजबानी की जिसने जिससे समावेशी यात्रा का मार्ग क्या हुआ है प्रशस्त हुआ है उद्घाटन हिंदी रेडियो प्रसारण से भारत कुवैत संबंध क्या होंगे मजबूत होंगे इंडिया कुवैत रिलेशन स्ट्रेंथन विद इनग्रल हिंदी रेडियो ब्रॉडकास्ट संजय मसूर वाला ने रिलायंस जियो के प्रबंध निदेशक के पद से क्या दे दिया इस्तीफा दे दिया है संजय मसरूर वाला ने रिलायंस जियो के प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दिया अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक पाबुलुरी सुब्बार राव को अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से नवाजा गया है एक अप्रैल से स्वास्थ्य बीमा खरीदने वालों को कोई आयु सीमा नहीं है पहले सिक्सटी फाइव आयु सीमा थी अब इसे हटा दिया गया है रिमूव कर दिया गया है पहले 65 थी एरडा इंश्योरेंस इंडस्ट्री का रेगुलेटिंग बॉडी है पेंशन फंड्स की रेगुलेटिंग बॉडी पी कैपिटल मार्केट की रेगुलेटिंग बॉडी सेबी मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम आरबीआई करता है ठीक है तो ये सारी रेगुलेटिंग बॉडीज भी ध्यान रखनी ट्राई टेलीकॉम इंडस्ट्री की रेगुलेटिंग बॉडी है नेक्स्ट चलेंगे कॉग्निजेंट एंड माइक्रोसॉफ्ट ने जनरेटिव ए को अपनाने के लिए विस्तार के लिए साझेदारी की घोषणा की है मेटा ने लामा थ्री द्वारा संचालित उन्नत ए असिस्टेंट का अनावरण किया चौतीसवा सेंगल महोत्सव जियाजेर में मेघालय में, में संपन्न हुआ आप देख पा रहे हो भारत मात्र एक देश नहीं मैंने कई बार बोला है आपसे भारत एक मात्र देश नहीं बहुत सारी संस्कृतियों का घर है बहुत सारी संस्कृतियों का घर और त्यागी पुरुषों की नगरी है त्यागी पुरुषों का समूह है हमारे पूर्वज ऋषि मुनि रहे तपस्वी रहे आज ऑल ओवर वर्ल्ड नतमस्तक होता है भारत के इन तपस्वियों पर भारत के इन श्रद्धालुओं पर भारत के कल्चर पर भारत की संस्कृति पर और भारत के इस सत्य सनातन के मार्ग पर चलिए चलते हैं नेक्स्ट फ्लैशबैक संडे आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्लैशबैक संडे के लास्ट पार्ट पे चलते हैं हम लोग पृथ्वी दिवस समारोह में नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी का अनावरण किया गया अनवेल किया गया माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया लाइट वेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल फाइव थ्री मिनी नेक्स्ट चले राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने रक्षा नवाचार के लिए फ्रांस के स्टार बस्ट एरोस के साथ हाथ मिलाया है आपके साथ डिटेल में यह न्यूज डिस्कस हुई थी ज्वालामुखी माउंट एरेबस हाल ही में खबरों में था या अंटार्क्टिका में स्थित है केट मिडिल्टन को अधिक जिम्मेदारियां लेने की मान्यता में किंग चार्ल्स से नया सम्मान मिला है हम बात करें रेजर पे ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ यूपीआई स्विच लॉन्च किया ए सर्च इंजन फॉर्म पर मिले वन बिलियन डॉलर मूल्यांकन के साथ उद्यम बाजार में भारत 2023 में चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बना सिपरी की रिपोर्ट आई थी आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था एक्सिस बैंक ने अमिताभ चौधरी को तीन वर्षों के लिए एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया है आईआईटी जोधपुर ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने के लिए सी डॉट के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व तो 25 अप्रैल को आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाते हैं इंटरनेशनल डेलीगेशन डे दे ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अप्रैल प्रोबियो प्रोबोबो शोबियांतो को इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है बिल्कुल फेब में ये चुनाव जीतकर आए थे लेकिन कुछ एलिगेशन लगे हुए थे इन पर उनका कोर्ट में मामले पहुंच गए थे इंडियन बैंक ने टाटा पावर सोलर सिस्टम के साथ एक रणनीतिक सहयोग की घोषणा की है वित्त वर्ष दो में भारत का फार्मास्यूटिकल निर्यात बढ़कर अट्ठाईस बिलियन डॉलर पर पहुंचा आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी यह न्यूज नेक्स्ट हम बात करें डेटा ट्रैफिक खबर के मामले में रिलायंस जियो चाइना मोबाइल को पछाड़कर दुनिया की सीर्ष टेलीकॉम कंपनी बन गई है नासा ने सौर सेल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक अभूतपूर्व अंतरिक्ष मिशन क्या किया है लॉन्च किया है तो फ्लैशबैक संडे था ये आपने बहुत ही अच्छे तरह से एंजॉय किया होगा डियर पीडीएफ कैसे मिलेगी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं आयुषक ज्योतिष टाइप करेंगे तो आप टेलीग्राम पर पहुंच जाएंगे एट रेट ई एम थिंक टैंक आप टाइप करेंगे तो फाइनली आपको लिंक मिल जाएगा पहुंच जाएंगे टेलीग्राम पर एट रेट ई एम थिंक टैंक वहां पर भी पीडीएफ मैं आपको देता हूं यहां से भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो कैसे डाउनलोड करेंगे चलिए सीखते हैं टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है मोर करेंगे एंड अगेन मोर करेंगे एक नया पेज ओपन होगा जो कि इस तरह से देखेगा डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा होगा अगर लिंक नहीं लगाए तो वेट कर लेंगे जैसे ही हमारी टेक्निकल टीम अपडेट करेगी आपको लिंक यहां पर मिल जाएगा लिंक जब मिलेगा लिंक पे टच करेंगे एक नया पेज ओपन होगा इस पेज पे जाएंगे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डेट मिल जाएगी डेट के आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे टाइटल मिल जाएगा टाइटल पे जैसे ही टच करेंगे पीडीएफ बैक एंड पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी ऊपर से स्क्रॉल करके देखेंगे पीडीएफ डाउनलोड होती हुई दिख रही होगी तो ये ये था हमारा आज का सेशन आयोप सभी ने बहुत अच्छे से इंजॉय किया होगा अगर आपने इंजॉय किया है तो फटाफट लाइक करो अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना मार्क्स जरूर बताना मेन कमेंट बॉक्स में मंडे में हम आपके मार्क्स को अनाउंस करेंगे ठीक है तो बिल्कुल फटाफट से स्टेशन को लाइक करें अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो सब्सक्राइग कर लें ऑफिशियल को हम मिलते हैं एक नए वीक के साथ मॉर्निंग सेवन एम थैंक यू एवरी गुड बाय टेक केयर जय हिंद सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल एन अपडेट